अब जैसे जो भी आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, अब इनके बैलेंसेस को मेंटेन करना है। जैसे कि अब इसमें डीके ट्रेडर का बैलेंस आ रहा है 53,132 रुपये। अब जैसे ही आपने परचेज चढ़ाई है, वैसे ही इसका बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब भले एक्चुअल में आपने पे कर दिया हो इनको, लेकिन सिस्टमेटिक शो कर रहा है कि इनको आपको पे करना है। अब मैंने अगर इनको कोई पेमेंट करी है, तो मैं इसके लिए सीधा पेमेंट आउट एंट्री पे आऊंगा। ये तो मैंने यूजर फ्रेंडली यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन इसके मेन सोर्सेस जो है आपको अकाउंट्स में मिलते हैं। आप जिनसे भी सामान खरीद रहे हो, उनको आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। तो मैंने जो डीके ट्रेडर से खरीदा है, उसके लिए मैं पेमेंट की एंट्री करूंगा। तो मैं पेमेंट पे गया और आज की डेट में मैंने एंट्री करी है, सॉरी आज की डेट में मैंने उनको पेमेंट करी है। और फिर मैं यहाँ पे उनका लेजर सर्च करूंगा और यहाँ हर जगह पे आपको शो होता रहेगा, जैसे 53,132 मुझे पे करना है। तो मैंने यहाँ पे इनको जो है 50,000 पे कर दिया और एंटर किया। अब ये पूछ रहा है कि 50,000 कौन से बिल के पे करें, और मैं इसको दोबारा एंटर करूंगा तो ये आ जाएगा बिल, जितने भी बिल है सारे बिल आ जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करना। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया था आपका यहाँ पे। अब आपने जो ये 50,000 पे किया है, आपने कैश पे किया है, बैंक से किया है, यूपीआई किया है, या क्या किया है आपने, तो इसके लिए यहाँ पे आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। जैसे स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे मोड ऑफ पेमेंट आपके आ जाएंगे। अब मैंने सपोज इसे पेटीएम किया है या HDFC से पे किया है, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैंने एक चेक नंबर दिया है, NFT किया है, क्या किया है, अगर जो भी किया है मैंने उसका रेफरेंस नंबर में यहाँ डाल दूंगा। और उसके बाद में अगर कुछ और भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज कि पिकअप चेक विद मिस्टर राव, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हो, ताकि अगर कभी भी डिटेल देखनी पड़ी तो आप इस पे एंटर करके देख सकते हो कि हाँ इनके पास से ये पर्सन आपसे पेमेंट कलेक्ट करके लेके गया, तो आपके पास डिटेल भी रहे पूरी, ताकि आप उनको स्टेटमेंट भेजो तो आप भी भेज के दिखा सको कि मैंने इस पर्सन को पेमेंट आपके दिया। अब मैं अगर इनका बैलेंस चेक करूं दोबारा, तो जैसे इस पे एंटर करोगे, अब डीके ट्रेडिंग, अब देखिए अब इनको मुझे 3132 रुपये पे करने हैं, क्योंकि 50,000 में इनको पे कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। अब मुझे अगर इसके लेजर को देखना, तो यहीं पे F4 प्रेस करके मैं देख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ऑल लेजर पे आ जाऊंगा और यहाँ पे DK एंटर। ये देखिए आपके पास बिल आया, क्या 53,132, 50,000 हमने पेमेंट कर दी, 3132 रुपये का बैलेंस अब पेंडिंग। तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको अगर इस पेमेंट एंट्री में कोई मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे एंटर करोगे आप और नीचे देखो सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको, मॉडिफाई करना है या आपको डिलीट करना है या प्रिंट लेना है इसका, या जो भी करना है। जैसे मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी ले सकते हो। जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा, प्रिंट करूंगा, और प्रिंट जैसे ही आप करोगे तो सारे ऑप्शन है, एक्सेल लेना है, PDF लेना है, सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर दूंगा। अब जैसे मैंने इसमें किया है, सेम अपोजिट होता है हमारे सेल की पार्टी के साथ। अब हमने जिनको भी सेल किया है, अब जैसे मैं एक सेल एंटर कर लेता हूँ, MJ सेल्स को कर लेता हूँ, अब मैंने MJ सेल्स को सेल किया। अब MJ सेल्स के पास मुझे बैलेंस शो कर रहा है कि मुझे इनसे 234 रुपये लेने हैं। अब MJ सेल्स मेरे को जब भी कलेक्शन देगा, तो मैं इसके भी क्या है यहाँ पर पेमेंट इन पे एंट्री डाल सकता हूँ, ठीक है। इसका मेन सोर्स है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में जाके वाउचर एंट्री, और यहाँ पे आपको रिसिप्ट करना होता है। अगर आप किसी भी सेल वाली पार्टी से पेमेंट लोगे तो उसके लिए रिसिप्ट एंट्री करनी होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँ MJ सेल्स, यहाँ पे 234 रुपये, सब लोग 200 रुपये इन्होंने पे किया मुझे, मैंने 200 डाल दिया और इनके बिल से एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद इन्होंने पेटीएम दिया तो मैंने पेटीएम करके एंटर एंटर कर दिया। अब मैं अगर देखता हूँ कि मेरे को MJ सेल्स से और कितना लेना है, तो यहाँ पे 34 रुपये पेंडिंग है। अगर मुझे बल्क में देखना है कि मेरे को कितना जो है लेना है मार्केट से, तो आप बुक्स में आके डेटर लेजर पे क्लिक करोगे, ये सारी सेल्स की पार्टी होती है आपकी, एंटर करोगे तो देखिए मार्केट से जितना भी लेना होगा सबके यहाँ पे दिखाएगा आगे बैलेंस, और नीचे टोटल दिखा देगा आपको ये।
और ऐसे ही मुझे मार्केट को कितना पे करना है इसके लिए आप क्रेडिटर लेजर पे आओगे, एंटर करोगे और यहाँ पे नीचे आपको दिखा देगा कितना पे करना है आपको। ठीक है, तो एमजे सेल्स की भी जो है मैं एंट्री डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब आप एक्चुअल एंट्री डाल रहे हो। तो सेल परचेज की पेमेंट तो इस तरीके से आपको मैनेज करनी है।